नमस्कार, प्रणाम। हम अभिनेता व गायक जय ध्वंसी आप सभी देशवासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए 40 से ज्यादा सभी सैनिकों एवं उनके परिवार को सबसे पहले भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और दुख के इस घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ हूं। कायरों, पीछे से वार करते हो, अगर दम है तो सामने सेवा के वार करो। आज इस घटना से भारत में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अंदर रोष व्याप्त है, और वो इन शहीदों का बदला उन आतंकियों के मौत से लेना चाह रहे हैं। सबका खून खौल उठा है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, अगर इस मामले पर उनको फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़े तो करें। हमारे फौजियों, हमारे सैनिकों को पूरा खुली छूट दे दें। इन आतंकियों को मार गिराना ही आज हर भारतवासी का उद्देश्य हो गया है। मैं कहना चाहूंगा उनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया। धन्य है ऐसे माता पिता और धन्य है ऐसी धरती जिन्होंने उन वीरों को आज पैदा किया। आज कितने दिनों से हम लोग यही सहते आ रहे हैं, पीछे से वार करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ये सारा चीज गलत है। आज वीर शहीदों के गम में हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा डूबा हुआ है, और हमारे ग्राम सभा के ग्राम प्रधान माननीय श्री शेषनाथ जी, जीएस नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक नवीन सिंह बिट्टू जी, और प्रतिष्ठित कैमरामैन प्रिंस जी शोक व्यक्त करते हैं, और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर ठोस कार्रवाई हो और मुंहतोड़ करारा जवाब दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।